देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। आज है खिलाड़ी अक्षय कुमार का 52वां बर्थडे। अक्की का बर्थडे है तो कुछ खास तो होना बनता है ना। अक्षय कुमार के बर्थडे पर रिलीज किया गया उनकी अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का टीजर। इस फिल्म के जरिए एक बार फिर अक्षय और यशराज बैनर साथ आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू की जाएगी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज चौहान की शूटिंग भले ही अगले साल मार्च 2020 से शुरू होगी, पर वह जल्द ही इसकी तैयारी में जुटने वाले हैं। फिल्म को डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट करेंगे। रोल की तैयारी के लिए अक्षय को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही वे तलवारबाजी और धनुष बाण चलाना भी सीखेंगे और अपने हेरिटेज लुक पर भी काम करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं अक्षय कुमार को इस फिल्म के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस फिल्म में अक्षय की सबसे बड़ी चुनौती होगी पृथ्वीराज चौहान की तरह चलना और बर्ताव करना। फिल्म के लिए सबसे पहले अक्षय को पृथ्वीराज चौहान की चाल ढाल कॉपी करनी पड़ेगी। अक्षय का कद भले ही पृथ्वीराज चौहान से थोड़ा ज्यादा है, पर बाकी मामलों में अक्षय को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का शरीर काफी ज्यादा भारी था, जिस वजह से अक्षय को भी इस फिल्म के लिए वजन बढ़ाना होगा। पृथ्वीराज का कद तकरीबन 5 फुट 8 इंच था और अक्षय 6 फुट लंबे हैं, पर उनके किरदार के लिए हाइट उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती जितना कि उनका फिजिक। जिम में उन्हें चेस्ट और बाइसेप पर काफी काम करना होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज है कि पृथ्वीराज की छाती काफी चौड़ी थी। अक्षय के लिए दूसरी बड़ी चुनौती होगी धनुष बाण चलाने की कला सीखना और तलवारबाजी में निपुण होना। तलवारबाजी तो उन्होंने अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म केसरी के लिए भी सीखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के लिए वे इसकी भी अलग शैली सीखेंगे, क्योंकि एक राजा की तलवार चलाने की कला के स्टाइल को सीखना काफी मुश्किल होता है। पृथ्वीराज चौहान काफी अच्छे धनुर्धर भी थे और वे किसी की आवाज सुनकर ही सटीक शब्द बाण चला सकते थे। ऐसे में अक्षय के कैरेक्टर को भी वो क्वालिटीज दिखानी जरूरी है। वहीं रोल के लिए अक्षय लंबे बाल और लंबी मूछें भी रखेंगे। इन दोनों के लिए ही वे नकली बालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चेहरे पर किसी भी तरह के प्रोस्थेटिक्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अक्षय कान में बड़ी बड़ी बालियां भी पहनेंगे, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान पहना करते थे। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों पृथ्वीराज चौहान के रोल के लिए परफेक्ट है अक्षय कुमार। इस रोल के लिए अक्षय को साइन करने की सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो है उनकी फिटनेस और एनर्जी। अक्षय 52 साल की उम्र में भी 25 के लगते हैं। उनकी एनर्जी से एक्टर्स ही नहीं एक्ट्रेसेस भी इंस्पायर हैं। अक्षय के बॉडीगार्ड शीतले के अनुसार अक्षय के फिट होने के पीछे उनका डिसिप्लिन है। वो रात को 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। वो शाम 6 बजे तक फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेते हैं और इस रूटीन को वो अपने आउटडोर शूट के दौरान भी नहीं छोड़ते हैं। फिल्म पृथ्वीराज की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान का सामना मोहम्मद गौरी से होते हुए दिखाया जाएगा। मोहम्मद गौरी के लिए संजय दत्त को अप्रोच किए जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि अब इस रोल को एक्टर मानव विज प्ले करेंगे। फिल्म को अगले साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। साल 2020 में अक्षय की कई और बड़ी फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं। रोहित शेट्टी के साथ अक्षय की सूर्यवंशी 27 मार्च को रिलीज की जाएगी। वहीं साउथ सुपरस्टार फिल्म कंचना की रीमेक लक्ष्मी बॉम्ब को ईद 2020 पर रिलीज किया जाएगा। इसमें अक्षय ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं क्रिसमस 2020 पर अक्षय की बच्चन पांडे रिलीज होगी। ये फिल्म साउथ की सुपरहिट फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। वीरम में सुपरस्टार अजीत और तमन्ना ने लीड रोल प्ले किया था। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।